जय माता जी की। ये है कटरा स्टेशन, देखिए बिल्कुल साफ सुथरा और अभी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। और देखिए कोविड का टेस्ट यहाँ पे होता है। यहाँ पे दो लाइन है, एक लाइन जो है जो लोग रिपोर्ट लेके आते हैं उनकी अलग लाइन होती है, उनको सिर्फ रिपोर्ट चेक करके और यहाँ से जाने दिया जाता है। और एक लाइन यहाँ पे होती है जिनका टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट के लिए बताया उन्होंने कि 5 साल से छोटे बच्चे का नहीं होता है, 5 साल से जो ऊपर बच्चा रहता है उसका होता है, बाकी नहीं होता है। देखिए जिनके पास रिपोर्ट होती है उनको उधर से ही जाने दिया जाता है, जिनके पास नहीं होती है उनको इधर आके अपना टेस्ट कराना होता है। अभी सभी काउंटर खाली पड़े हैं क्योंकि गाड़ी नहीं आई है, गाड़ी 5 बजे आएगी जब जाके टेस्ट होगा। ये देखिए ये सामने से देखेंगे तो इधर जिन्होंने टेस्ट करवाना है और जिनके पास रिपोर्ट है उनको इधर आना है। जो अपना टेस्ट ऑलरेडी करवा के लाते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे आना है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे ऐसे परेशान ना हो। और ये कुछ नंबर दे रखे हैं, ये देखिए। और ये बूथ है जिनके पास रिपोर्ट है, वो यात्री यहाँ से निकलेंगे। देखिए बहुत ही साफ सुथरा दिख रहा है कटरा स्टेशन, लाइव अपडेट। और जिनको दोनों वैक्सीन लग गई हैं उनको टेस्ट की रिपोर्ट लेके नहीं आनी है, उनको सिर्फ अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके आना है, उनसे कोई और टेस्ट नहीं किया जाएगा उनका। जिनको एक वैक्सीन लगी है या लगी नहीं है उनको अपनी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेके आनी है और उसका टाइम है 48 आवर्स। रिपोर्ट आने के बाद 48 आवर्स तक वह वैलिड रहेगी। तो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द और सही जानकारी दी जाए। जय माता जी की।